जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टाइट्स गुरु जी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवल वर्सेस मैनचेस्टर द 100 मैच रिव्यू के बारे में। तो बिना देरी के आप वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, ये मैच केनिंगटन ओवल लंदन के ऊपर खेला जाएगा और ये मैच करीबन रात के 11 बजे स्टार्ट होगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे बहुत कुछ मिस कर रहे हो। पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, फाइनल टीम्स आती है, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे कर सकते हो दोस्तों, मैं क्या करूँगा आपको बताया। हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, जिसके ऊपर पहले से 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं। तो आप भी जुड़ सकते हो, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। अब दोस्तों पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ये सेम वेन्यू है जहाँ पर दोस्तों 9 जुलाई को सरी वर्सेस कैंट के बीच में मैच हुआ था। और इस साल इस वेन्यू के ऊपर ना 5 T20 ब्लास्ट के मैचेस खेले जा चुके हैं। तो अपन ने उस मैचेस के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों आपको ध्यान देना है, जो पिच रहेगी ना वो यूज्ड पिच रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ना एक दिन पहले वुमेन्स का द 100 का मैच हुआ रहेगा, ठीक है। अब ध्यान देना है, जो पिच रहेगी दोस्तों स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल रहेगी, प्लस दोस्तों यहाँ पे बैट्समैन को भी बैटिंग करने में मजा आएगा। और आपको ध्यान रखना है, ये होम ग्राउंड है 2 ओवल टीम का। अब देखो, जब इस वेन्यू के ऊपर दोस्तों मैचेस हुए ना, तब देखो दोस्तों क्या क्या हुआ है। जिस टीम ने बैट फर्स्ट करा है ना, 2 मैचेस जीते हैं आउट ऑफ लास्ट 12 T20 मैचेस, और 9 मैचेस चेस करने की टीम जीती है, और एक मैच दोस्तों पे ड्रॉ हुआ था। एवरेज स्कोर 150-180 आपको बनता हुआ दिखना चाहिए। अब ध्यान देना है, इस वेन्यू के ऊपर लास्ट 12 मैचेस के अंदर क्या हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों पेसर्स ने, मतलब तेज गेंदबाजों ने, 60 विकेट निकाले हैं लास्ट 12 मैचेस के अंदर। अब देखो कैसे निकाला है। पहली पारी के अंदर दोस्तों 40 विकेट है, वहीं दोस्तों दूसरी पारी के अंदर पेसर्स ने 20 विकेट निकाले हैं। अब देखो किस टाइप के बॉलर्स विकेट निकालते हैं। तो राइट आर्म पेसर्स ने 49 विकेट्स निकाले हैं, वहीं दोस्तों लेफ्ट आर्म पेसर्स ने यहाँ पर 11 विकेट निकाले हैं। अब स्पिनर्स की बात करते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे क्यों स्पिनर्स पे जोर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे लास्ट 12 मैचेस के अंदर स्पिनर्स ने यहाँ पे 67 विकेट निकाले हैं, 66। अब देखो कैसे निकाले हैं, पहली पारी के अंदर यहाँ पे 35 विकेट है, वहीं दोस्तों दूसरी पारी के अंदर यहाँ पे 31 विकेट है। अब देखो किस टाइप के स्पिनर्स दोस्तों पे विकेट निकालते हैं। ऑफ स्पिनर्स 24 विकेट है, ठीक है। लेग स्पिनर्स दोस्तों 19 विकेट है, वहीं दोस्तों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स यहाँ पे 23 विकेट। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे स्पिनर्स दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको उनमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर ना 2 वेन्यूज पे दोस्तों बॉल टन लेती है। एक तो है ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर, एक दूसरा है वेन्यू केनिंगटन ओवल लंदन, ठीक है। जो दोस्तों यहाँ पे लास्ट मैच हुआ था सरी वर्सेस कैंट का 9 जुलाई को, उस मैच के अंदर यहाँ पे 6 विकेट पेसर्स ने निकाला था और दोस्तों यहाँ पे 1 विकेट स्पिनर ने निकाला था। और यहाँ पे दोस्तों क्लाउडी वेदर रहने वाला है, बारिश की दोस्तों 0% यहाँ पे आशंकाएं लग रही है मेरे को। आप खुद ना गूगल के ऊपर जाके वेदर फोकास्ट चेक कर सकते हो दोस्तों। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, वीडियो बनाने से पहले मैं वेदर फोकास्ट हमेशा चेक करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये मैच ना इंग्लैंड के टाइम के अनुसार 5:30 बजे स्टार्ट होगा, 5 बजे दोस्तों टॉस होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि थर्सडे के दिन यह मैच है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, सन्नी वेदर है। ये देखो दोस्तों आपको पूरा दिखाता हूँ मैं, ये मैच जब तक खत्म होगा ना दोस्तों, उसके 3-4 घंटे बाद भी दोस्तों यहाँ पे सन्नी वेदर ही रहेगा। तो अपन कह सकते हैं बारिश की दोस्तों उस दिन बिल्कुल आशंका नहीं है, एकदम बढ़िया वेदर रहेगा। अब चलते हैं दोस्तों की तरफ, वीडियो लाइक करके स्टार्ट करना है। और अभी तक दोस्तों आपने हमारा द 100 का वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो। अब क्या करना, हमारे चैनल के अंदर ना जाके देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा द 100 की। या फिर आप क्या करना, यूट्यूब के ऊपर सर्च करना रूल्स ऑफ द 100 इन हिंदी बाय स्टैट्स गुरुजी लिख देना आप, ठीक है। स्टैट्स गुरुजी लिखना जरूरी है, तब दोस्तों आपको एक 9 मिनट का वीडियो मिलेगा, बहुत ही शानदार दोस्तों वीडियो है। इन डेप्थ के अंदर आपको मैंने वहाँ पे चीज़ें समझाई है, क्या क्या न्यू रूल्स है दोस्तों, तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, ठीक है, अपना टाइम निकाल के। ये चीज़ें हैं दोस्तों, है ना। न्यूज़ की बात करते हैं तो आपको ध्यान देना है, ओवल की टीम के अंदर आपको जनरली बताऊँ ओवरसीज प्लेयर कौन कौन से दिखेंगे, कॉलिन इंग्राम, सुनील नारायण, संदीप लमिछमे। आप ध्यान देना दोस्तों, जो ओवल की टीम है ना वह सरी के रूप में जानी जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि संदीप लमिछमे दोस्तों यहाँ पर क्या है, डाउटफुल है पहले मैच के लिए, क्योंकि दोस्तों को वीज़ा का कुछ इशू है और दिक्कत है दोस्तों बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तैबराय शम्सी भी रिप्लेसमेंट इनके आ सकते हैं, अगर दोस्तों ये अगर इंग्लैंड के अंदर नहीं आते हैं तो। सैम बिलिंग्स दोस्तों यहाँ पर इनको कोविड हुआ था तो डाउटफुल है इस मैच के लिए। मैनचेस्टर की बात करते हैं, इस टीम को दोस्तों आप जानते हो लंकेशायर के रूप में जाना जाता है। ओवरसीज प्लेयर है कॉलिन मनरो, कैलोस ब्रैथवेट, लुकी फर्गसन। चलते हैं दोस्तों लाइनअप्स की तरफ, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर ओवल की तरफ से आपको क्या यहाँ पे प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जस्टिन रॉय ओपन करेंगे, राइटी बैट्समैन दोस्तों इनका ना 21 जुलाई को, मतलब कि इस मैच से एक दिन पहले इनका बर्थडे था, 1 या 2 दिन पहले अपन बोल सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। विल जैक्स
राइट ही बैट्समैन ओपन करेंगे, ऑफ स्पिनर है। लॉरी वांस आएंगे दोस्तों, राइट ही बैट्समैन है। ये तीनों दोस्तों सरी के लिए खेलते हैं, आपको पता रहेगा सस्सेक्स वगैरह के लिए। अब देखो यहाँ से कॉलिन इंग्राम आएंगे, ये दोस्तों क्या है, ये लेफ्टी बैट्समैन है। सैम बिलिंग्स आएंगे दोस्तों यहाँ पे, ये राइट ही बैट्समैन है। और ये नहीं खेलेंगे दोस्तों फिर यहाँ पे जॉर्डन कॉक्स खेलेंगे, क्योंकि उनको कोविड हुआ था, कैंट के स्क्वाड के अंदर नहीं थे रिसेंटली। सैम करन, नारायण साहब, टॉम करन, नैथन सॉल्टर, रीस टॉपली, शाकिब महमूद, ठीक है। अब देखो प्रमुख गेंदबाज कौन रहेगा, आपको पता है दोस्तों द 100 के अंदर क्या होता है, इस टूर्नामेंट के अंदर ना एक बॉलर मैक्सिमम एक मैच के अंदर 20 बॉल डाल सकता है। तो भाई यहाँ पे 20 बॉल कौन डाल सकता है, शाकिब महमूद पहले मेरे हिसाब से गेंदबाज रहेंगे जो 20 बॉल डाल सकते हैं, रीस टॉपली सेकंड रहेंगे, टॉम करन, सैम करन। चलते हैं दोस्तों पे किसकी तरफ है, मैनचेस्टर की तरफ। फिलिप सॉल्ट ओपन करेंगे, कॉलिन मनरो दोस्तों ओवरसीज प्लेयर है, न्यूजीलैंड के सब जानते हैं, लेफ्टी बैट्समैन, जो क्लार्क के दोस्तों क्लास बैट्समैन आएंगे यहाँ से, जॉस द बॉस, टू डाउन खेलने चाहिए लॉजिकली। सैम हन, कैरलोस ब्रैथवेट, फिर आएंगे यहाँ से कॉलिन एकरमन, साउथ अफ्रीकन बॉर्न प्लेयर है, नेदरलैंड के लिए खेल चुके हैं, स्टीवन फिन, लुकी फर्गसन, टॉम हार्टली, मैट पार्किंसन। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ओवरसीज प्लेयर तो आपको बताई दी मैंने कौन कौन है, प्रमुख गेंदबाज मैट पार्किंसन, लुकी फर्गसन, स्टीवन फिन, कैरलोस ब्रैथवेट। यहाँ पे टॉम हार्टली के बदले फ्रेड क्लासन आ सकते हैं अगर दोस्तों पिच के अंदर लोगों को लगता है पेस है तो। अब देखो ये सारे T20 के स्टैट्स है, प्लस दोस्तों हर प्लेयर का रिसेंट फॉर्म मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि प्लेयर का रिसेंट फॉर्म कैसा है। दोस्तों आपको पता है ज़्यादातर ना प्लेयर का रिसेंट फॉर्म बहुत मैटर करता है, वो दोस्तों प्लेयर अच्छे फॉर्म में है ना तो आप उसको कोई भी वेन्यू के ऊपर खिला लो, वो बंदा दोस्तों वहाँ पे रन्स बना के देगा, किसी भी टीम के अगेंस्ट में खिला लो, कितने बढ़िया बॉलर दोस्तों खिला लो, अगर उसका फॉर्म अच्छा है, उसके बॉल दोस्तों बैट के बीच में लग रही है, कॉन्फिडेंस उसके अंदर, तो भाई वो कॉन्फिडेंस है ना कुछ भी अचीव कर सकता है। तो यहाँ पे रिसेंट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो जसवंत रॉय ने आज तक T20 के अंदर 243 मैचेस खेले, 28 की एवरेज है, 6000 प्लस रन्स है, बर्थडे था दोस्तों 21 जुलाई को, हाईएस्ट 122 नॉट आउट है, 30+87 टाइम्स करा है, तो आप समझ सकते हो दोस्तों कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। और हाल ही के अंदर थर्ड T20 के अंदर दोस्तों इस भाई साहब ने लाज बचाई थी इस टीम की, इंग्लैंड की। मैं आपको सही कहूँ जो थर्ड T20 मैच हुआ था इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का जो हुआ था दोस्तों ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के ऊपर, उस मैच के अंदर ना अगर जसवंत रॉय वो तूफानी पारी नहीं खेलते 64 रन की, अगर कुछ 30 बॉल के अंदर खेला था 30-40 बॉल के अंदर, तो दोस्तों यहाँ पर इंग्लैंड का जीतना लगभग मुश्किल था। 2021 के अंदर 31 मैचेस के अंदर 25 की एवरेज है, 727 रन है। विल जैक्स आएंगे यहाँ से, 56 मैचेस में 25 की एवरेज है T20 करियर के अंदर, और आप देख रहे हो 1100 रन, हाईस्ट 87, 30+15 बार करा है। 2021 के अंदर 16 मैचेस में 428 रन, 5 विकेट है। लॉरी वांस आएंगे दोस्तों यहाँ से, 175 मैचेस के अंदर 34 की एवरेज है, क्लास बैट्समैन है दोस्तों, इसको मैंने अच्छे से खेलते हुए देखा था लंकन प्रीमियर लीग के अंदर जो दिसंबर के अंदर भी थी लास्ट ईयर, क्लास प्लेयर है। इसके अंदर दोस्तों मैच्योरिटी है कि कौन से बॉलर को दोस्तों मारना है, किस बॉलर के लिए वेट करके दोस्तों रन बनाना है, तो इसके अंदर दोस्तों दिमाग से खेलता है, अच्छा प्लेयर है। 30+57 टाइम्स करें 175 T20 के मैचेस खेल के। अब मैं दोस्तों आपको 30+ हमेशा क्यों देता हूँ, क्योंकि 30+ आपको ये पता चलता है वो प्लेयर उस मैच में चला या नहीं चला, मतलब ये आज तक T20 के अंदर 175 मैचेस खेला है पर चला कितनी बार है, चला 257 बार है सिर्फ, 30+ करा मतलब चला है ना उस मैच के अंदर। 2021 के अंदर 12 मैचेस के अंदर 298 रन, 25 का एवरेज है। 2021 के अंदर दोस्तों इतने अच्छे शॉट्स नहीं मारे इसने अभी तक अपन कहें तो। इंग्राम साहब 293 के अंदर 29 की एवरेज है, 7,1100 रन है दोस्तों यहाँ पर, और देख रहे हो हाईएस्ट 127 नॉट आउट है। 30+ इसने दोस्तों कुछ 80 टाइम्स करा था यहाँ पे, पता नहीं दोस्तों 8 कैसे लिख दिया मैंने, कुछ 80s के अंदर था इसका 30+ जो स्कोर है ना 80 टाइम्स कर रखे इसने। अब देखो 2021 की बात करते हैं तो 21 मैचेस के अंदर मात्र 15 की एवरेज है, 273 रन है। ग्लैमोगन के लिए दोस्तों T20 ब्लास्ट के अंदर खेला था, सिर्फ एक मैच के अंदर 50+ करा था, कुछ इसने 13 या 15 मैचेस खेले, तो आप समझ सकते हो दोस्तों फॉर्म थोड़ा सा खराब था इनका। सैम बिलिंग्स आएंगे यहाँ से, 188 मैचेस के अंदर 30+41 टाइम्स है, 24 की एवरेज है, 3500 रन है, हाईएस्ट 95 है। 2021 के अंदर 14 मैचेस में 324 रन, 27 की एवरेज है, अपने दिन पे दोस्तों बहुत बुरा मारते हैं वरना आयाराम गयाराम का काम करते हैं। सैम बिलिंग्स 107 मैचेस के अंदर 21, वो तो आपको बता दिया दोस्तों, सैम करन है 107 मैचेस के अंदर 21 की एवरेज है, 1200 रन है, क्लास प्लेयर दोस्तों। CSK का आप समझ सकते हो दोस्तों एक बहुत बढ़िया धोनी के लिए बोलते हैं ना कि अपन एक्स फैक्टर है। 30+14 बार करा, 101 विकेट्स है T20 करियर के अंदर, 107 मैचेस के अंदर, 2021 के अंदर 19 मैचेस के अंदर आप देख सकते हो 194 रन, 22 विकेट है। नारायण साहब 2516 रन है, 356 मैचेस के अंदर, 15 की एवरेज है, हाई 79, 30+20 बार करा है, 393 विकेट्स है दोस्तों। जब से इनका बॉलिंग का एक्शन चेंज हुआ ना तो उनको दिक्कतें आने लगी, एक साल से उसने अपना बॉलिंग का एक्शन चेंज करा है, तब से अपनी नेशनल टीम के अंदर भी नहीं है वेस्ट इंडीज के अंदर, पर बढ़िया प्लेयर है। 187 मैचेस के अंदर 190 विकेट है बॉल फर्स्ट, बॉल सेकंड 168 के अंदर 198 विकेट होता है, बॉल सेकंड के अंदर तो मैचेस कम खेले लेकिन विकेट ज्यादा कंपेयर टू बॉल फर्स्ट। 2021 के अंदर इसने IPL के अंदर 4 मैचेस में 3 विकेट निकाला।
टॉम करन आएंगे तो उस तरह से इनका परफॉर्मेंस आप देख सकते हो 143 मैचेस के अंदर 164 विकेट है, 1000 के आसपास रन है T20 करियर के अंदर। बॉल फर्स्ट में अच्छा है, बॉल सेकंड के अंदर दोस्तों थोड़ी से खराब, आप स्टैट्स है आप खुद देख सकते हो। 2021 के अंदर दोस्तों इतना अच्छा फॉर्म नहीं है, 9 मैचेस के अंदर 7 विकेट है। नैथन स्वाटर 72 मैचेस के अंदर 71 विकेट्स है, बॉल फर्स्ट में अच्छा करते हैं 28 मैचेस में 35 विकेट है, बॉल सेकंड के अंदर 46 मैचेस के अंदर 36 विकेट्स है T20 करियर के अंदर। 2021 के अंदर 11 मैचेस में 15 विकेट है, स्पिनर है दोस्तों, लेग स्पिनर तो इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। रीस टोपली 81 के अंदर 112 विकेट है, बॉल फर्स्ट के अंदर 40 में 63 विकेट्स है, बॉल सेकंड के अंदर 42 में 49 विकेट है, लेकिन बॉल फर्स्ट में बहुत अच्छे स्टैट्स हैं। ये दोस्तों इंजरी से वापसी करेंगे या फिर दोस्तों प्लेइंग 11 में नहीं भी आ सकते हैं अगर इंजर्ड है तो। स्क्वाड के अंदर तो है इनका नाम, लेकिन दिक्कत है क्या, पूरा सीजन दोस्तों इसने मिस करा था अपनी इंजरी की वजह से, चोटिल हो गए थे और आपको पता है दोस्तों इसने अपने पुणे के अंदर ना जहाँ पे वो मैचेस हुए थे ODI के मार्च के अंदर, याद है ना आपको, सर्दी का टाइम था दोस्तों, उस टाइम पे इस भाई साहब ने बढ़िया बॉलिंग कराई थी इंडिया के खिलाफ में, और 2020 के अंदर 11 मैचेस में 15 विकेट है। शाकिब महमूद 39 के अंदर 54 विकेट्स है, बॉल फर्स्ट ठीक है, बॉल सेकंड के अंदर 19 मैचेस के अंदर 31 विकेट है, बढ़िया परफॉर्मेंस। 2021 के अंदर 12 मैचेस में 24 विकेट है। या आप और प्लेयर के स्टैट्स देख सकते हो, एलेक्स ब्लेक हो गए, रॉरी बंस हो गए, हर प्लेयर के दोस्तों हमने स्टैट्स दिए हैं। मैं आपको नहीं चाहता कोई आप प्लेयर मिस करो, यहाँ पे जॉर्डन क्लार्क हो गए, ये भी दोस्तों खेल सकते हैं, ये थोड़े से स्पेशलिस्ट है, T10 लीग खेल चुके हैं अबू धाबी के अंदर, ये थोड़े से एक्सपीरियंस प्लेयर है। संदीप दोस्तों खेलेंगे तो आप ट्राई करना, ये मैंने स्टैट्स दे दिए हैं। स्टार्टिंग ओवर पर मुश्किल चांसेस है खेलना इनका, क्योंकि वीजा का इशू है। स्टार्टिंग ओवर शाकिब महमूद, रीस टोपली, सैम करन, और अगर रीस टोपली नहीं खेलते हैं तो टॉम करन नई बॉल से डालेंगे डर, और मैं शाकिब महमूद, रीस टोपली खेलते हैं तो वो भी डालेंगे, वरना दोस्तों सैम करन, टॉम करन आएंगे। यहाँ पर मैनचेस्टर की बात करते हैं तो फिलिप सॉल्ट का 101 मैचेस के अंदर 26 के एवरेज है, T20 करियर के अंदर 2300 रन आए, 78 नॉट आउट है, 30+ 27 बार करा है, बैट फर्स्ट 23, बैट सेकंड 29 के एवरेज है। 2021 के अंदर 22 मैचेस में 25 के एवरेज है, 476 रन है। इंग्लैंड के तरफ से खेलते हुए इसने अगेंस्ट पाकिस्तान ODI के अंदर बहुत अच्छा फॉर्म रखा था, कॉन्फिडेंस दोस्तों उसके अंदर आया रहेगा, इतने बड़े लेवल के ऊपर जाके खेल के आया दोस्तों खिलाड़ी, समझ रहे हो ना आप, पाकिस्तान जैसी टीम जिसके अंदर बबर अजम वगैरह थे, मतलब कुछ खास करा नहीं था लेकिन प्लेयर्स ने, लेकिन दोस्तों बहुत ही बढ़िया टीम थी वो भी, चलता रहता दोस्तों, अप डाउन हमेशा लाइफ के अंदर आते हैं, बी कॉन्फिडेंट, हमेशा वही कहता हूँ आपको। कॉलिन मनरो 289 मैचेस के अंदर 30+ देखो दोस्तों 101 बार करा है, कितना बढ़िया प्लेयर है, कन्वर्जन रेट देखो उसका, और 30 के आसपास एवरेज है, और 7,1100 रन है, हाईस्ट 107 नॉट आउट है, बैट फर्स्ट के अंदर 35 है, बैट सेकंड के अंदर 24 के एवरेज है। 2021 के अंदर बढ़िया फॉर्म, 18 मैचेस के अंदर 643 रन है, 46 के एवरेज है। इससे पहले दोस्तों खेल गया है PSL, उसके अंदर अच्छा खासा परफॉर्मेंस था, दो बार बैक टू बैक 90s कुछ करे थे इसने, जो क्लार्क के 85 के अंदर 29 के एवरेज है, 22 रन, हाईस्ट 136 है, 30+ 29 है। ये दोस्तों जिस दिन अपनी नॉक खेलता है ना, उस दिन दोस्तों पूरी दुनिया देखती है, क्लास प्लेयर है, शॉट्स बहुत अच्छे मारता है और बॉल को टाइम करना पसंद करता है, देख के दोस्तों अच्छा लगता है, एकदम बोलते हैं ना टेक्स्ट बुक शॉट्स है उसके पास। 2021 के अंदर 16 मैचेस के अंदर 487 रन, 35 की एवरेज है। फिर दोस्तों यहाँ पर आएंगे जॉस द बॉस, 285 मैचेस के अंदर 7000 रन है, हाईस्ट 124 है, 30+ 98 करा है। 2021 के अंदर 20 मैचेस के अंदर 39 की एवरेज है, 701 रन है, बढ़िया प्लेयर है दोस्तों। बस यहाँ पर बॉल ग्रिप होगी ना तो जॉस बटलर थोड़ा सा अटक सकते हैं, अगर बॉल ग्रिप होगी तो, मैं कह रहा हूँ दोस्तों ग्रिप होती है बॉल यहाँ पर कभी कभी, रुक के आती है ना, आपने देखा था थर्ड T20I के अंदर ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर। सैमन 78 के अंदर 38 की एवरेज है, 2300 रन है, हाईस्ट 95 है, 30+ 32 बार करा है, बैट फर्स्ट में अच्छा है, बैट सेकंड के अंदर दोस्तों ठीक ठाक है। सैमन दोस्तों क्लास प्लेयर है, इंग्लैंड का फ्यूचर स्टार है, लेकिन मैं देख के शौक था उसको ODI के स्क्वाड के अंदर क्यों पिक नहीं करा गया था। कैरलोस ब्रैथवेट 204 मैचेस के अंदर 1800 रन है, 189 विकेट्स है, बॉल फर्स्ट में बैटर है, बॉल सेकंड के अंदर ठीक ठाक है, और 2021 के अंदर दोस्तों बहुत ही बढ़िया फॉर्म है, 27 मैचेस के अंदर 32 विकेट है। कॉलिन अकरमन 130 मैचेस के अंदर 3000 रन है, हाई 79 नॉट आउट है, 30+ 40 बार करा है, 67 विकेट्स है, और 2021 के अंदर 14 मैचेस में 12 विकेट है, और कह सकते हैं 250+ रन है। स्टीवन फिन 2021 के अंदर 13 मैचेस में 19 विकेट है, और इसका T20 करियर के अंदर 119 के अंदर 154 विकेट्स है, बॉल फर्स्ट में 59 में 64 विकेट्स है, बॉल सेकंड के अंदर दोस्तों बैटर स्टार्ट से, देख के अजीब लगा मेरे को भी, बॉल फर्स्ट में अच्छे होने चाहिए वैसे तो, क्योंकि डेथ ओवर में डालने का चांस मिलता है। लुकी फर्गसन 73 के अंदर 77 विकेट्स है, बॉल फर्स्ट में ठीक है दोस्तों, बॉल सेकंड के अंदर भी बढ़िया स्टार्ट है। 2021 के अंदर 12 मैचेस में 17 विकेट है, टॉम हार्टली आएंगे दोस्तों यहाँ से, 24 मैचेस के अंदर 18 विकेट है, बॉल फर्स्ट में 11 में 6 विकेट है, बॉल सेकंड के अंदर दोस्तों 12 में 12 विकेट है। 2021 के अंदर 13 मैचेस में 12 विकेट है। मैट पार्किंसन का 60 मैचेस में 94 विकेट्स हैं, और आप देख सकते हो दोस्तों बॉल फर्स्ट में ठीक है, बॉल सेकंड के अंदर मात्र 29 मैचेस के अंदर 50 विकेट्स हैं। 2021 के अंदर 12 मैचेस के अंदर 14 विकेट है। फ्रेड क्लासन भी आ सकते हैं इंस्टेड ऑफ टॉम हार्टली, 55 मैचेस के अंदर 58 विकेट है, 2021 के अंदर 11 में 14 विकेट है। इस तरह आप हर प्लेयर का स्टैट देख सकते हो,
स्टार्टिंग हुआ स्टीवन फिन, कैलोस ब्रैथवेट, लुकी फर्गसन, डेथ और मेगा स्टीवन फिन, कैलोस ब्रैथवेट, लुकी फर्गसन, मैट पार्किंसन। चलते हैं दोस्तों वेन्यू स्टैट्स की तरफ, आपको ध्यान देना है सोनी के ऊपर ना होम ग्राउंड ऑफ ओवल, ये आपको ध्यान रखना है ठीक है। जो सरी टीम है ना जिसके अंदर जस्टिन रॉय, विल जैक्स, लॉरी वांस खेलते हैं, उसका होम ग्राउंड है। 59 मैचेस खेले यहाँ पे जस्टिन रॉय ने T20 करियर के अंदर, 35 की एवरेज है, 1900 रन है, 2000 रन के लिए इसको सिर्फ चाहिए 74 रन चाहिए यहाँ पे 2000 रन पूरे करने के लिए। विल जैक्स 23 के अंदर 25 की एवरेज है, 419 रन है, 11 विकेट है। लॉरी वांस 13 मैचेस के अंदर 259 रन है, 24 की एवरेज है, बैट फर्स्ट 48 है, नॉट आउट 10-8-7-6, वाइल चेसिंग 73-39-34-19-6-4-4-1। कॉलिन इंग्राम 6 मैचेस के अंदर 161 रन, 27 की एवरेज है, बैट फर्स्ट 91-42-13-4, बैट सेकंड 11-0। इंग्लैंड के अंदर इसमें क्या करा है, 41 मैचेस खेले हैं और 1100 रन है, आई मीन 1200 कह सकते हैं क्योंकि 1200 के लिए इसको सिर्फ 6 रन चाहिए। सैम बिलिंग्स 8 मैचेस के अंदर 152 रन है, 22 की एवरेज है यहाँ पर, बैट फर्स्ट 50 है, 28 है, 14 है, 12 है और 12 नॉट आउट है, बैट सेकंड 18-16-2। सैम करन 26 मैचेस के अंदर 21 विकेट, होम ग्राउंड है, 271 रन है। नारायण साहब दोस्तों आज तक इस वेन्यू के ऊपर नहीं खेले लेकिन इंग्लैंड के अंदर इसके 2 मैचेस में 2 विकेट है। टॉम करन का दोस्तों इस वेन्यू के ऊपर 36 मैचेस के अंदर 32 विकेट है और इस वेन्यू के ऊपर 14 मैचेस के अंदर विकेटलेस भी गए हैं। नेथन सॉटर यहाँ पर 4 मैचेस के अंदर 8 विकेट है और 3 मैचेस के अंदर 8 विकेट है, आई थिंक 3 मैचेस में 6 विकेट है, बॉल सेकंड करते हुए, बॉल फर्स्ट करते हुए 1 मैच के अंदर 2 विकेट है। रिस टोपली 8 में 8, शाकिब महमूद यहाँ पे नहीं खेले, एलेक्स ब्लेक देख सकते हो, रॉरी बंस, हर प्लेयर के स्टैट्स दिए हैं दोस्तों ने। अगर सैम संदीप लम्बी छाने आ जाते हैं दोस्तों तो इंग्लैंड के अंदर 3 मैचेस में 0 विकेट आज तक, पर मुश्किल है, वीज़ा का इशू है। फिलिप सॉल्ट की बात करते हैं तो 33 है, 18 है, 15 है, 1 है, ये 15 बस चेस पे आया था और सब बैट फर्स्ट है। कॉलिन मनरो स्वयं के ऊपर दोस्तों 3 मैचेस खेल चुके हैं, एक बार 5 रन बैट फर्स्ट पे आउट हो गए थे और 0 नॉट आउट है और एक बार बैटिंग नहीं आए। इंग्लैंड के अंदर 36 मैचेस के अंदर 726 रन है, 23 की एवरेज है। जो क्लार्क आएंगे ये सोनी पे नहीं खेला, जॉर्ज बटर ने 8 मैचेस के अंदर सोनी को 18 की एवरेज रखी, 107 रन है, बैट फर्स्ट 19-3, बैट सेकंड 29-26-17-13। सैम मन ने आप एक मैच खेला 29 खेला था वाइल चेसिंग, कैलोस ब्रैथवेट ने दोस्तों आप एक मैच खेला था उसमें डक पे आउट हुए थे बैट फर्स्ट करते हुए और बॉल सेकंड करते हुए 2 विकेट निकाला था। इंग्लैंड के अंदर 18 मैचेस के अंदर 31 विकेट है, इंग्लैंड को दोस्तों पसंद करते हैं, कैलोस ब्रैथवेट इस वेन्यू के ऊपर अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। कॉलिन अकर्म इस वेन्यू के ऊपर नहीं खेला लेकिन इंग्लैंड की कंडीशंस के अंदर 64 मैचेस के अंदर 42 विकेट्स है, 1400 रन है। स्टीवन फिन का 10 मैचेस में 7 विकेट है, 7 विकेट समझ के ना दोस्तों, और 5 मैच के अंदर विकेटलेस है। लुकी फर्गसन ने सोनी को पर नहीं खेला है, इंग्लैंड की कंडीशंस के अंदर 30 मैचेस में 30 विकेट है। फ्रेड क्लासन का आप देख सकते हो, जिमी वॉटिंग, सबके उन्होंने स्टार्ट हुए हैं। प्लेयर बैटल की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना आपको, जस्टिन रॉय का स्ट्रगल है स्टीवन फिन के सामने, 38 बॉल 44 रन एक बार आउट हुए, जिमी वॉटिंग के सामने 19 गेंद 24 रन एक बार आउट हुए और ये दोस्तों लेग स्पिन के सामने फंसते हैं। अगर आपने थर्ड T20 भी देखा था पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का, उस मैच के अंदर उस्मान कादिर साहब ने उनका आउट करा था, तो लेग स्पिन के सामने ना 37 पारियों में 14 बार आउट हो चुके हैं, 231 रन है 295 गेंद के अंदर, मतलब 295 रन है 231 गेंद के अंदर लेग स्पिन के सामने। विल जैक्स वर्सेस लेग स्पिन 18 पारियों में 7 बार आउट हुआ दोस्तों, समझ सकते हो आप आधी बार तो लेग स्पिन के सामने आउट होता है जब भी फेस करता है, 105 गेंद 119 रन। फ्रेड क्लासन के सामने दोस्तों 3 बार आउट हुआ जनाब, 28 गेंदों में 56 रन है और 2 बार पहली पारी के अंदर, स्टीवन फिन ने एक बार आउट करा है और जेमी वॉटिंग ने एक बार। लॉरी वांस वर्सेस लेफ्ट आर्म पेसर्स 59 पारियों के अंदर 14 बार आउट करा है, 361 रन है 282 बॉल के अंदर, स्टीवन फिन ने एक बार आउट करा है। कॉलिन इंग्राम वर्सेस है जेमी ओवरट्यून एक बार आउट करा है, लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने 26 पारियों में 7 बार आउट हुआ है, 176 रन से 135 गेंदों के अंदर। सैम बिलिंग्स वर्सेस ऑली रॉबिनसन एक बार आउट करा है, ऑली रॉबिनसन दोस्तों वही है जो टेस्ट मैच के अंदर पहला मैच खेले थे, फिर उनको दोस्तों अपनी कुछ गलती की वजह से बाहर कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों गलतियाँ आप तो सब करते हैं दोस्तों लाइफ के अंदर, कौन उनको इंप्रूवमेंट करता है वो दोस्तों बड़ा खिलाड़ी होता है। देख के अच्छा लगा कि इंग्लैंड ने दोस्तों कहा कि आपको 7 या 8 मैच के लिए हटाया जाता है, उसके बाद दोस्तों वापस खिलाया जाएगा। सैम करन आएंगे दोस्तों यहाँ से, इनका स्ट्रगल है स्टीवन फिन के सामने और लेग स्पिन के सामने, 23 पारियों में 7 बार आउट हैं और आपको सैम करन के सामने दिखेंगे कॉलिन अकर्मन ऑफ स्पिनर है पक्का दोस्तों, मतलब वो उनका आउट कर सकते हैं, मोस्टली वही होता है ना कि ऑफ स्पिनर लेफ्ट बैट्समैन उसको परेशान करते हैं तो हो सकता है। फिलिप सॉल्ट वर्सेस शाकिब महमूद 4 गेंद 4 रन 2 बार आउट हुए हैं, स्टीवन फिन ने मतलब टॉम करन ने एक बार आउट करा है, नेथन सॉटर ने एक बार आउट करा है सुनील नारायण ने और लेग स्पिन के सामने 29 पारियों के अंदर 14 बार आउट हुए हैं, तो मतलब कि आधी बार जब भी लेग स्पिन को फेस करता है तो आउट होता है, 120 गेंद के अंदर 165 रन है। कॉलिन मनरो वर्सेस सैम करन 2 बार आउट हुए हैं और थोड़ी सी दिक्कतें हैं दोस्तों यहाँ पर इनको, लेग स्पिन के सामने फंसते हैं। जो क्लार्क वर्सेस शाकिब महमूद 5 गेंद 12 रन एक बार आउट हुए हैं। जॉस बटलर वर्सेस सुनील नारायण 48 है गेंद 53 रन है 2 बार आउट हैं, 2 नंबर दूसरी पारी के अंदर, लेग स्पिन के सामने 57 पारी में 17 बार आउट हैं, 388 रन है 311 गेंदों के अंदर। सैमन वर्सेस लेग स्पिन
30 पारियों के अंदर अपन कह सकते हैं अप्रॉक्स 29 है, वैसे तो मैं 30 बोल रहा हूँ, 10 बार आउट कर चुके हैं लेक्समैन के सामने ये, और 165 गेंद के अंदर 211 रन। सर ब्रैथवेट साहब का नारायण के सामने स्ट्रगल है, लेक्समैन के सामने, लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने, कॉमन कैप्टन कॉलिन मनरो, जॉस बटलर, बड़ी लीग्स में इसको बनाना है जस्टन रॉय, जो क्लार्क के, कॉलिन मनरो, ब्रैथवेट, 204 MVP प्लेयर्स है। जॉस बटलर भी 200 स्पेशल प्लेयर होते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। लॉरी वांस हो गए, फिलिप स्टार्ट हो गए। वीडियो पसंद दोस्तों लाइक करके जाना, फिर आप डिसलाइक कर सकते हो। दोस्तों आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि दोस्तों आपको मैं यहाँ पे हर अपडेट दूंगा पूरी शिद्दत से। दोस्तों अपन दिल से क्रिकेट को कवर करते हैं, ये दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है। बात करेंगे टीम्स की, चलते हैं दोस्तों टीम्स की तरफ। यहाँ पर कैप्टन ने कैलोस ब्रैथवेट, वाइस कैप्टन दोस्तों यहाँ पे सैम करन को बना रखा है। यहाँ से कॉलिन मनरो पर दोस्तों बहुत अच्छा ऑप्शन है, जस्टन रॉय का हाल ही के अंदर बर्थडे था तो गिफ्ट दे सकते हैं दोस्तों अपने को, देखते हैं। ये दो प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, जॉस बटलर भी दोस्तों बेटर है। अगर टॉप ऑर्डर में खेलेंगे तो मस्ट पिक ऐसे कैप्टन आप ट्राई कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से जो इनका टीम का पूरा क्रम लग रहा है ना बैटिंग का, वो दोस्तों लग रहा है थोड़ा नीचे खेलेंगे, या तो टू डाउन या तो फिर मुश्किल से दोस्तों ओपन शायद ही करेंगे, जो क्लार्क, लॉरी वांस, विल जैक्स, शाकिब मोहम्मद, मैट फर्गसन, विकी फर्गसन दोस्तों, ठीक है। अब बड़ी लीग्स में क्या करना है, वही कहूँगा दोस्तों लाइफ में रिस्क लेने से कभी नहीं डरना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको नोट करना है, जब दोस्तों आप डरोगे ना तो फिर लाइफ दोस्तों आपको बैक फुट पे और ढकेलेगी, तो फ्रंट फुट पे रहना है। बुल मारना है दोस्तों शर्मा जी की तरह, जॉस बटलर दोस्तों एक MVP प्लेयर है, देखते हैं दोस्तों कैसे नॉक खेलते हैं। फिलिप सॉल्ट दोस्तों एक एवरेज भी कमीशा रहते हैं, इनका दिन रहता है दोस्तों बहुत बुरा मारते हैं, वो बात आपको ध्यान रखनी है, लेकिन हिट एम एस टाइप प्लेयर है, हर बॉल को मारने की कोशिश करते हैं, बस थोड़ी दिक्कतें रहती ना आपने देखा रहेगा, तो हर बॉल को जो प्लेयर मारता है ना दोस्तों या तो फिर एकदम कुछ अतरंगी काम करके जाता है तो कुछ नहीं करता। मनरो साहब ये भी दोस्तों वैसे प्लेयर है, तो मारते मारना चालू करेंगे या तो आराम गहराम, जो क्लार्क के दोस्तों एक बेटर क्वालिटी नॉक खेल सकते हैं, जस्टन रॉय एक अच्छे खिलाड़ी हैं, युवान साहब दोस्तों एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में है, लेकिन रिसेंट फॉर्म एवरेज है, मैं दोस्तों खराब भी नहीं कहूँगा अच्छा भी नहीं कहूँगा इनको। कॉलिन निग्राम हार्ड हिटर बैट्समैन ट्राई कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। सैम करन दोस्तों इंपॉर्टेंट, ब्रैथवेट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, नारायण साहब आप ट्राई कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छे स्पिनर है। विल जैक्स दोस्तों हार्ड हिटर बैट्समैन ओपन करेंगे शायद तक जितना मुझे लग रहा है, एक और मुश्किल से डाल भी सकते हैं अगर बाई चांस ऐसा कुछ हुआ तो। लुकी फर्गसन, शाकिब, लमी छाने दोस्तों शायद ही खेलेंगे, मैंने आपको पहले बताया तीसरी या चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ, वीज़ा इशू है, जितना मैंने दोस्तों पढ़ा था कि वीज़ा इशू इनका है, तो शायद ही अभी तक इंग्लैंड के अंदर पहुंचे भी नहीं है। स्टीवन फिन दोस्तों ट्राई करना जाएगा, MNR मतलब मैनचेस्टर पहले बॉल फर्स्ट करती है, तो टॉम करन भी ट्राई कर सकते हो। मैट पेरगिंसन दोस्तों से पंथ के तौर पर लेके जा रहा हूँ, अच्छे स्पिनर है। नैथन सॉटर दोस्तों एक अच्छे लेग स्पिनर हो सकते हैं ये भी, और कोई भी फर्दर अपडेट्स आई दे दूँगा आपको टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा। और लाइफ में दोस्तों खुश रहें, सब पे दोस्तों लाइफ के अंदर मुसीबतें आती हैं, लेकिन आपको एक स्माइल बरकरार रखनी है दोस्तों। मुझे पता है अपन बहुत हार्डवर्क करते हैं लाइफ के अंदर, तो भी दोस्तों कभी कभी सक्सेस नहीं मिल पाती है, पर दोस्तों लाइफ वही तो है, वो सबको टेस्ट करेगी दोस्तों लाइफ, वो देखती है दोस्तों किस में कितना दम है, तो आपको दिखाना दोस्तों लाइफ को फीडबैक करके दिखाना है, भाई तू कुछ भी कर ले मैं करके दिखाऊंगा दोस्तों जो करना है मेरे को लाइफ के अंदर। तो तब तक के लिए टेक केयर, लव यू गाइस, अपनी लाइफ में हर गोल अचीव करिए, आपको हमेशा कहता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, विदाउट यू आर नथिंग, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।